नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, मतलब कि पता लगाने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि क्या घर में होने वाले हलचल से हम जान सकते हैं कि हमारे घर में क्या है, लड़का है या फिर लड़की है। देखो, वैसे तो बहुत सारी महिलाओं की पहली प्रेगनेंसी है तो उनको ये नहीं रहता कि लड़का हो जाए लड़की हो जाए, लेकिन बस मन में रहता है ना कि जिज्ञासा, क्योंकि हम ऐसे हैं कि भाई दूसरे के घर में क्या हो रहा है मैं वो भी जानना है, टीवी सीरियल में क्या हो रहा है, अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, सब कुछ हमें जानना होता है। तो हमारे बच्चे की बात है, वो भी हमें जानना है, पहले ही जानना है कि हमें क्या होने वाला है। तो लेकिन क्या है कि भाई भारत में इलीगल है तो हम वैसे नहीं जान सकते, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से डॉक्टर नहीं बताएंगे आपको। तो कुछ लक्षण होते हैं जिसके आधार पर कि बताया जाता है, पता लगाया जाता है, और देखो जी वो 100% सही भी नहीं होता। तो हम डिस्कस करेंगे केवल और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सच है या फिर नहीं है, और आपको अपना खुद का दिमाग लगाना है कि हाँ जी क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो कहा जाता है, बच्चे की हलचल महसूस होना, कब से महसूस होना, यानी कि ये कहा जाता है कि अगर आपको गर्भ में बच्चे की हलचल जल्दी स्टार्ट हो जाती है तो मतलब ये है कि आपको लड़की होने वाली है, देरी से स्टार्ट होती है तो लड़का होने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली बच्चे 4थे महीने से हलचल करते हैं और उससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी फड़फड़ाहट सी महसूस होती है, समझ में नहीं आता कि बच्चा हलचल कर रहा है या फिर पेट में मुझे कुछ कुरकुलाहट सी हो रही है, कुछ फड़फड़ाहट सी हो रही है, समझ में नहीं आता। लेकिन बहुत सारी महिलाओं को 4थे महीने से और ज़्यादातर महिलाओं को 5वें महीने से बच्चे की हलचल महसूस होना लग जाती है। अब आपके घर में लड़का हो या फिर लड़की हो, आपको 4थे या फिर 5वें महीने से ही बच्चे की हलचल होगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी प्रेगनेंसी के 5वें महीने से बच्चे की हलचल महसूस हुई थी, मेरे बेटे की हलचल महसूस हुई थी। अब देखो जी, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है और मेरा भी एक ही प्रेगनेंसी है तो मैं कैसे बताऊँ कि मुझे जल्दी हलचल महसूस हुआ या फिर बाद में हुआ। अगर हम ये बात करें कि 4थे महीने से स्टार्ट हो जाएगी तो हो सकता है कि लड़की पहले होते हो, और अगर 5वें महीने से स्टार्ट होता हो और कहा जाता है कि 5वें महीने से हो, देरी से हो, तो लड़का होता है, तो मेरे केस में बात सच है। और अगर मैं एक आध लोगों का एक्सपीरियंस बताऊं जो कि मेरी फैमिली का ही है, मेरी मम्मी का है, तो हम 4 भाई बहन हैं, तो उनका कहना यही है कि मैंने और मेरी सिस्टर ने जल्दी हलचल करना शुरू कर दिया था और मेरे भैया ने, मेरे छोटे भैया ने देरी से किया था, लगभग 5वें महीने से किया था। तो उनके केस में बात बिल्कुल सच है कि हम दोनों ने जल्दी कर दिया था और भैया ने, छोटे भैया ने लेट से किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बात सच साबित होती है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे मेरा वो कमेंट आता है और वो ये कहती हैं कि जी हमें तो हमारे बच्चे की हलचल एक ही टाइम में महसूस हुई, लड़के की भी लड़की की भी। तो क्या कर सकते हैं, कुछ कहीं भी कहना है कि हमें तो लड़के की हलचल पहले स्टार्ट हो गई थी, 3रे महीने से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, मतलब कि हल्का हल्का, और 4थे महीने से हमने अच्छे से महसूस करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ ये भी कहते हैं कि हमारी लड़की ने तो बहुत लेट किया था, 5 महीने से किया था। और हाँ देखो, ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको बच्चे की हलचल देरी से महसूस होती है, सेकंड प्रेगनेंसी है तो आपको जल्दी महसूस होती है, तो इससे भी लड़का लड़की का कोई वो नहीं है। बहुत सारी महिलाओं का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आपकी प्रेगनेंसी कौन सी है, पहली प्रेगनेंसी में देरी से होती है, सेकंड प्रेगनेंसी में जल्दी महसूस हो जाती है। बाकी अगर बात करें कि गर्भ में ज्यादा हलचल कौन करता है, ये कहा जाता है कि भाई लड़के ज्यादा हलचल करते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं, लड़कियां कम हलचल करती हैं, शांत टाइप की होती हैं। तो इसका भी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि हाँ जी बिल्कुल लड़के बहुत ज्यादा हलचल करते हैं, लड़कियां कम करती हैं। अब देखो जी, मेन बात ये है कि अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि मेरा ज़्यादा हलचल हो रहा है या फिर कम हो रहा है। अगर आपके 2-3 प्रेगनेंसी हो गई हैं तो आपको मालूम चलेगा ना कि हाँ मेरा बच्चा हलचल पहले वाले ने कम किया था, ये वाला ज़्यादा कर रहा है, या फिर पहले ने ज़्यादा किया था ये कम कर रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। और अभी तक जितना मैंने समझा है, मेरे हिसाब से देखो जी, कुछ बच्चे तो ज़्यादा हलचल करते हैं, कुछ कम करते हैं, क्योंकि सबके नेचर अलग अलग होता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा पैदा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा शरारती हैं, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करते हैं, काफ़ी बदमाश हैं, वो घर में भी इसी टाइप के होंगे, चाहे वो लड़का है या फिर लड़की, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे या फिर आपके घर में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आप अपने भाई बहन में देख लो, सब एक जैसे नहीं होंगे ना, कोई ज़्यादा बदमाश होगा, कोई कम बदमाश होगा, कोई शांत रहता होगा। ठीक है, तो यही फ़र्क पड़ता है। इसे लड़का लड़की कोई मतलब नहीं है कि लड़की ये तो कम हलचल करेगी, ऐसा क्यों करेगी, वो नहीं होता ऐसा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, बच्चा ज़्यादा हलचल कर रहा है या फिर कम कर रहा है ये आपके प्रेगनेंसी के मंथ पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो कि स्टार्टिंग में बच्चा कम हलचल करेगा, छोटा है,
जैसे जैसे बड़ा होगा ज़्यादा हलचल करेगा, और प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा जोर से किक करता है ना। अगर आपकी प्रेगनेंसी का अभी पाँचवा या फिर छठा महीना है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके हिसाब से तो आपका बच्चा हलचल कम कर रहा है, लेकिन सातवा फिर आठवा महीना है तो आपका बच्चा बहुत हलचल कर रहा है, तो आप ये कहेंगे कि हाँ मेरा बच्चा तो बहुत हलचल कर रहा है, मुझे तो लड़का होने वाला है। और जिनकी प्रेगनेंसी का पाँचवा महीना हो कहेंगे मेरा बच्चा तो बिल्कुल हलचल नहीं करता, बहुत कम करता, मुझे लड़की होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चा प्रेगनेंसी के मंथ के हिसाब से ज़्यादा या फिर कम हलचल करता है, स्टार्टिंग में कम, बीच में बहुत ज़्यादा, फिर जब डिलीवरी होने वाली होती है तो ज़्यादा पेट में जगह नहीं होता तो बच्चा हलचल कम करता है, लेकिन जब भी करता है बहुत जोर से करता है, बहुत जोरदार करता है, इतना जोर से करता है कि आपके पेट में दर्द भी हो जाता है, खिंचावट सी हो जाती है। बाकी देखो जी, बच्चा जो हलचल करता है वो आपके प्लेसेंटा भी डिपेंड करता है। अगर आपका प्लेसेंटा आगे की ओर है, यानी कि एंटीरियर प्लेसेंटा है, तो जब बच्चा किक करेगा ना तो प्लेसेंटा पे आएगा, फिर आपको महसूस होगी हलचल, तो आपको हलचल कम महसूस होगी। लेकिन अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है, बच्चे से पीछे की ओर है, यानी कि पीछे की तरफ है, तो बच्चा सीधा आपको किक करेगा पेट की तरफ, तो ऐसा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हलचल महसूस होगी, यानी कि आपको लगेगा कि बच्चा ज़्यादा हलचल कर रहा है। लेकिन ये प्लेसेंटा पे डिपेंड करता है, जिनका प्लेसेंटा इंटीरियर है उनको हलचल कम महसूस होगी, जिनका पोस्टीरियर है उनको ज़्यादा हलचल महसूस होगी, तो ये प्लेसेंटा पे भी डिपेंड करता है। बाकी देखिए, अब ये भी जान लेते हैं कि कहा जाता है कि कौन कहाँ पे हलचल करता है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आपको दाईं तरफ हलचल हो तो लड़का है, बाईं तरफ हो तो लड़की है, अगर आपको पेट के ऊपर की तरफ हलचल महसूस होती है तो आपको लड़की है, अगर नीचे की तरफ होती है तो आपको लड़का है। अब देखो, यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना है। अगर मान लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी का अभी पाँचवा छठा महीना है और सातवां महीना भी है, तो बच्चा घर में अच्छे से घूमेगा तो आपको हर तरफ हलचल महसूस होती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, क्योंकि बच्चा घूमते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते, घूमते रहते हैं इस टाइम। और जब आपकी प्रेगनेंसी का आठवां नौवां महीना हो जाता है तो क्या होता है कि बच्चा हेड डाउन कर लेता है, सर नीचे कर लेता है, पैर ऊपर कर लेता है। अब बच्चा हेड डाउन तो करेगा ही, चाहे लड़का हो या लड़की, तभी नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर बच्चा हेड डाउन नहीं करेगा तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी? आप चाहेंगे कि आपका बच्चा हेड डाउन ना करे? बिल्कुल चाहेंगे। और जब बच्चा हेड डाउन करेगा तो पेट के ऊपर की तरफ आपको हलचल महसूस होगी, इसका मतलब क्या है कि आपको लड़की है? नहीं, इसका मतलब यह है कि बच्चा डिलीवरी वाली पोजीशन में आ गया है और लड़का हो या लड़की दोनों ही हेड डाउन करेंगे। बाकी देखो जी, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि ब्रिज पोजीशन में रहते हैं, पैर नीचे सर ऊपर, और ये लड़का लड़की दोनों के साथ हो जाता है। कुछ बच्चे आरा तिरछा हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं, कुछ बच्चे का सर ऊपर है पैर नीचे है, तो क्या है इसका मतलब? क्या वो लड़की है लड़का है? तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि देखो जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मुझे नॉर्मली अपने बच्चे की हलचल नाभि के पास ज़्यादा महसूस होती थी, ना ऊपर है ना नीचे, बीच में, ठीक है, ज़्यादा होती थी, और कभी लेफ्ट साइड होती थी, कभी राइट साइड ज़्यादा होती थी, यानी कि बच्चे घूमते रहते हैं तो हर तरफ हलचल होती है, और लास्ट में जैसे कि मैंने बताया कि बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो ऊपर की तरफ ही हलचल महसूस होती है। तो भाई मेरी बात यही है कि बच्चा लड़का हो या फिर लड़की हो, जो प्रक्रिया है डिलीवरी की उस हिसाब से होगी और उसी हिसाब से आपकी प्रेगनेंसी चलेगी, इससे लड़का लड़की का कोई संबंध नहीं है। बाकी अगर आपको मानना है तो आप मान सकते हैं कि आपको ऊपर की तरफ हलचल महसूस हो रही है तो लड़की है, नीचे है तो लड़का है, ठीक है, तो ये बातें हैं। तो देखो जी, बच्चे की हलचल के बारे में हमने तीन बातें जानी। पहला ये कि पहले हलचल कौन करता है, ज़्यादा हलचल कौन करता है, और लड़का किधर हलचल करता है, लड़की किधर हलचल करती है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला कि बच्चा किधर भी हलचल कर सकता है, बच्चा कोई ज़्यादा हलचल कर सकता है, कोई कम कर सकता है, इससे लड़का लड़की कोई संबंध नहीं है, और बच्चा पहले हलचल कर रहा है बाद में कर रहा है इससे भी लड़का लड़की कोई संबंध नहीं है। वहाँ क्या मानना चाहे तो मैंने आपको बता ही दिया, तो आप हिसाब से आराम से अपने मन को समझा सकते हैं, जान सकते हैं कि आपको क्या होगा, ठीक है, मैंने आपको दोनों ही चीज़ें बता दी। बाकी देखो जी, लड़का लड़की दोनों ही समान होते हैं, आज के टाइम में तो बिल्कुल समान होते हैं, और लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा करती हैं, बात आप जानते हैं, नहीं तो अपनी फैमिली में देख रहे होंगे। नहीं देख रहे हैं तो आप साबित करो ना, आप अपने माँ बाप के लिए करो ना, आप अच्छी लड़की बनो ना, तभी आपकी लड़की अच्छी लड़की बनेगी आपके लिए, है ना, आपका ख्याल भी रखेंगी, आपका नाम भी रोशन करेंगे। लेकिन आपको अपने माइंड को ऐसा बनाना होगा कि हाँ जी कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ठीक है। बाकी बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि लड़का हमारे वंश का दीपक होता है, कुल दीपक होता है, वंश आगे बढ़ाता है, कुछ नहीं होता, किसी दिमाग में बात नहीं रहती, सबके दिमाग में रहती है कि बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, तो आप बनो ना सहारा, आप लड़की हो तो क्या हो गया, बनो ना, किसी ने रोका है क्या? किसी ने रोका, अपने मन को समझाना होता है कि हाँ जी मुझे करना है तो आप कर सकती हैं, ताकि आपके माँ बाप को भी सहारा मिले, और आप अगर अच्छा करेंगे तो आपके बच्चे को भी वो देखने को मिलेगा कि हाँ मेरे मम्मी पापा दोनों के लिए कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, अपने ससुराल वाले के लिए कीजिए, मायके वाले दोनों के लिए कीजिए। बाकी रही बात कुलदीपक की कहने की, ये वंश आगे बढ़ाएंगे, तो दोनों ही आपके बच्चे हैं, दोनों ही आपका खून है, कहा जाता है ना कि तेरे रग में हमारा खून दौड़ रहा है, तेरे शरीर में, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो भैया भाई
दोनों ही हैं, बस मानने की बात होती है, सोच का फर्क होता है सब कुछ, है ना। तो बस यही है जी, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। बहुत से लोग कमेंट करेंगे मैं समझ में नहीं आया मैम आपने क्या बताया, तो वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखना, सब समझ जाओगे। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।